गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फर्स्ट टू सम्स ऑफ एक्सरसाइज समसाइज हैज़ डन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड सम सम नंबर थर्ड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज़ फिफ्टी टू पॉइंट एट सेंटीमीटर कह रहे हैं क्या फाइंड आउट करो रेडियस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करो जिसका सर्कम फ्रेंस कितना है फिफ्टी टू पॉइंट एट सेंटीमीटर सो circumference is given how much 52.8 cm it's a circumference of circle and circumference of circle formula is equal to ऑफ सर्कल फार्मूला ठीक है ये सर्कम ऑफ सर्कल की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है और इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है टू बाई आर के इट मीन्स दिस बोथ आर दिस वन वैल्यू एंड दिस फार्मूला बोथ आर ऑफ सर्कम ऑफ सर्कल सो वी कैन टेक इट इक्वल टू ईच अदर हम इसे इक्वल ले सकते हैं मैंने इक्वल लेके यहाँ से रेडियस निकाल लिया अब मैंने यहाँ हेयर वी हैव यूज पाई वैल्यू थ्री पॉइंट फोरटीन बिकॉज ऑफ आंसर बिहाइंड ऑफ द आंसर इज गिवन एट पॉइंट समथिंग एंड इट विल कम इफ़ यू विल टेक पाई वैल्यू इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोरटीन ज़रूरी नहीं ए, मैटर नहीं करता कि आप ज़रूरी यही लो आप बाई ट्वेंटी टू ओवर सेवन के साथ भी निकाल सकते हो लेकिन आपके पीछे जो आंसर दिया है वो अगर मैं पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट ले लूँ तो ले आती है ठीक है नेक्स्ट ये पाई की जगह पे क्या आ गया थ्री पॉइंट फोर्टीन आर वैल्यू गिवन ही आर हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज़ लिख दिया देन क्या हो गया थ्री पॉइंट इसको डेसीमल्स ओपन कर ले ठीक है इसके नीचे टेन आएगा हंड्रेड आ जाएगा आर इधर रहने दिया और बाकी की सारी उस तरफ शिफ्ट कर दी ये उधर जाके रेस, चेंज हो जाएगा ना जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा है वन ओवर टू तो की अब देखो नेक्स्ट कटिंग ज़ीरो से जीरो टू वन टू टू फाइव टेन नेक्स्ट टू के टेबल पे टू वन या टू टू फाइव फाइव टेन टू सेवन फोर्टीन टू टू अर फोर टू सिक्स या ट्वेल्व टू फोर या एट अब ये ऊपर का करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन इसको इसके साथ जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है एट पॉइंट फोर समथिंग ठीक है कुछ नेक्स्ट डिजिट्स गिवन है बट वी हैवेंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग आफ्टर पॉइंट यू हैव टू राइट ओनली अ वन वन डिजिट और वन नंबर इट मीन्स इट्स योर आंसर, ठीक है नेक्स्ट अब देखो ये जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं आप इनमें ट्वेंटी टू ओवर सेवन ही यूज़ करना ठीक और इसमें भी ट्वेंटी टू ओवर सेवन ही यूज़ करना आप निकाल कर देख लेना पाई की वैल्यू जिससे आंसर बैक वाला मैच हो जाएगा वही यूज़ कर लेना नेक्स्ट फोर्थ है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हु सर्कम्फ्रेंस ऑफ दिस वन रेडियस बोला था सो दैट्स वाई वी हैव यूज इट हेयर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला टू पाई आर अब वो कह रहे हैं फाइंड द डायमीटर जिसका सर्कम्फ्रेंस कितना है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी सिक्स ठीक है उन्होंने कहा फाइंड डायमीटर फाइंड आउट करो सर्कल का सो वी विल यूज इट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हेयर सर्कमफ्रेंस वैल्यू क्या गिवन है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी सिक्स और उन्होंने क्या फाइंड आउट द डायमीटर सो वी विल यूज़ द सर्कम ऑफ सर्कल फार्मूला पाई डी ठीक है सर्कम ऑफ सी को किस चीज़ को डोनेट करता है सर्कम ऑफ सर्कल ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी सिक्स क्या है वैल्यू ऑफ सर्कम ऑफ सर्कल और डायमीटर निकालना है सो डेट्स वाई वी हैव टेकन अ सर्कम ऑफ सर्कल फार्मूला पाई डी पाई डी भी क्या है सर्कम ऑफ सर्कल और दिस वन वैल्यू इज ऑल्सो सर्कम ऑफ सर्कल सो बोथ वी कैन टेक इट इक्वल टू इच अदर ठीक है यहाँ पे भी मैंने पॉइंट इसके कारण क्योंकि अगर मैं थ्री पॉइंट फोर्टीन लाऊंगी तो हंड्रेड आएगा और इसको डेसिमल को भी जब हम ओपन करेंगे तो हंड्रेड आएगा वो कैंसल आउट हो जाएंगे दैट्स वाई हैव यूज्ड इट है थ्री पॉइंट फोर्टीन ठीक है पाई वैल्यू आपने इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनमें ट्वेंटी टू ओवर सेवन ही यूज़ करना है ठीक है ईजिली इस, हो जाएगा अगर आप पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू ओवर सेवन लोगे तो ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे नाउ थ्री डेसिमल्स ओपन कर दिए ठीक है पाई की जगह थ्री पॉइंट फोरटीन लिया डेसिमल इधर भी इसका भी डेसिमल ओपन कर दिया डायमीटर मुझे चाहिए सो डेट्स वाई वी विल शिफ्ट कंप्लीट फ्रैक्शन टू ऑपोजिट साइड ठीक यहाँ पे थ्री थ्री हंड्रेड फोर्टी ओवर हंड्रेड है तो उधर तो जगह क्या हो जाएगा हंड्रेड ओवर थ्री हंड्रेड फोरटीन ये कैंसिल आउट हो जाए हंड्रेड हंड्रेड के साथ और थ्री हंड्रेड फोरटीन के ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है थ्री हंड्रेड फोर्टीन वन या थ्री हंड्रेड फोर्टीन एंड थ्री हंड्रेड फोर्टीन फोल वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स प्रॉपर डिवाइड हो गया क्या पैसा मेरे पास फोर इट मीन्स डायमीटर हैज केम स्केम फोर सेंटीमीटर ठीक है पीछे आपका थ्री पॉइंट नाइन्टी नाइन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आंसर वो थ्री पॉइंट नाइन्टी नाइन क्यों है क्योंकि मे बी दे हैव यूज दियर वैल्यू पाई वैल्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ओवर सेवन सो डेट्स वाई

रेक्टेंगल की फॉर्म में उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है ठीक है उसको क्या करते हैं रीशेप करते हैं एंड बेंट इनटू किसके किस फॉर्म किस में बेंट कर देते हैं सर्कल की फॉर्म में ठीक है कह रहे हैं फाइंड आउट क्या करो सर्कल का रेडियस क्या करो फाइंड आउट करो वायर है ठीक वायर फर्स्ट ऑफ ऑल वायर किस शेप में है रेक्टेंगल की शेप में है उसी वायर को उन्होंने रीशेप कर दिया किस फॉर्म में सर्कल की फॉर्म में इट मींस जो वायर थी वो से जितनी वायर की लेंथ रेक्टेंगल शेप में है इट मींस द लेंथ इज सिमिलर इन द शेप ऑफ सर्कल ठीक है जो रेक्टेंगल का पैरीमीटर होगा वही पैरीमीटर ऑफ सर्कल आएगा क्लियर सो वी विल टेक अ पैरिमीटर इक्वल टू ईच अदर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर हाउ बिकॉज इन पैरीमीटर ऑफ सर्कल वट थिंग इज कमिंग टू बाई आर आर आता है तो रेडियस वहाँ से निकल जाएगा गॉट इट जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा अब देखो फर्स्टली ये पोर्शन छोड़ के ये देखो। मैंने क्या लिखा है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल क्या होता है ये भी क्या होता है पैरीमीटर ही हम शेप्स के लिए शेप्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या नेम देते हैं पैरीमीटर ऑफ अब मुझे रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि लंबाई कितनी है तो मैं किस तरह किस फार्मूले से करूँगी पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से सिमिलरली सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि उसकी आउटर लेंथ कितनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला है सर्कम ऑफ सर्कल ठीक है है तो दोनों की लेंथ फाइंड आउट करने का इट मीन्स इन दोनों की लेंथ तो सेम चाहे वो वायर रेक्टेंगल की शेप में हो और चाहे वो सर्कल की शेप में उनकी लेंथ तो सेम रहेगी और रेक्टेंगल की शेप में उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने का फार्मूला किसे उसको कैसे डोनेट करते हैं पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब वो सर्कल में आ जाएगी तो तब उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं सर्कम ऑफ सर्कल इट मीन्स दी बोथ हैव द बोथ हजार फार्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दफ़ द वायर ठीक है ये दोनों आप इक्वल हैं अब देखो रिकटेंगल की उन्होंने लेंथ ब्रेथ दी हुई है अगर रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ गिवन है तो हम पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं मीन्स तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है एग्जैक्ट वो निकाल सकते हैं किस तरह से पैरीमीटर ऑफ रिकटेंगल के फार्मूले से और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ ब्रेथ गिवन है सो डैट्स वाई वी कैन फाइंड आउट मैंने वैल्यूज लेंथ और ब्रेथ की फ़िल कर दी और इसको फिल करने पर आ गया प्लस किया और आंसर आ गया थर्टी थ्री पॉइंट ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट ज़ीरो आफ्टर पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो किस, कितना आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर इट मीन जो वायर थी उसकी जो लेंथ है कितनी है सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर चाहे वो रेक्टेंगल की शेप में है और चाहे वो सर्कल की शेप में है इट मीन्स पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है सर्कम ऑफ सर्कल के ही. ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ गया सर्कम ऑफ सर्कल कितना आ गया अगर ये पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सिक्सटी सिक्स है तो सर्कम ऑफ सर्कल भी कितना होगा सिक्सटी सिक्स और सर्कम ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है टू पाई आर टू पाई आर भी क्या है सर्कम ऑफ सर्कल सिक्सटी सिक्स भी क्या है सर्कम ऑफ सर्कल दोनों को इक्वल लिख कर मैं आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ यहाँ से वी हैव टेकन इट इक्वल टू ईच अदर अब पाई की वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी टू ओवर सेवन ही यूज़ करनी है कुछ सम्स में जिन सम्स में आपको नीड है कि ज़रूरत है करने की वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि थ्री पॉइंट फोरटीन यूज़ करो अदरवाइज़ ट्वेंटी टू ओवर सेवन ही यूज़ करूंगी ठीक है वैल्यू अब ये उधर जाके अपोजिट हो जाएंगे मुझे आर की वैल्यू चाहिए सो डेट्स वाई आई हैव शिफ्टेड ऑल दीज वैल्यूज़ टू अपोजिट साइड उधर सेवन ओवर ट्वेंटी टू एंड मल्टीप्लाई वन बाई टू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इसको कट किया टू वन या टू टू थ्री यावन के टेबल पे इलेवन थ्री या थर्टी थ्री इलेवन टू और ट्वेंटी टू अब क्या रह गया ऊपर थ्री और सेवन थ्री और सेवन मल्टीप्लाई हो गया ट्वेंटी वन ओवर टू पीछे आपके आंसर गलत दिया है आफ्टर डिवीजन क्या आएगा टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल हैज़ गेम टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर गाट इट आंसर पीछे गलत है आप सही कर लेना लिसन बच्चे सिक्स हो गया सेवंथ भी सेम चीज़ है अ पीस ऑफ वायर इज़ बेंड इन द शेप ऑफ इक्वलीटर ट्राइ एंगल उसको सर्कुलर रिंग में कर दिया है जितनी इक्वलीटर ट्राइंगल में लेंथ है सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल भी उतने पैरामीटर ऑफ इक्वलीटर ट्राइ एंगल इज इक्वल टू सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल क्योंकि सर्कल में क्या है ना सिमिलरली इसी तरह से होना है बस चेंज क्या आएगा जहाँ पे एकटर ट्राइ एंगल आ जाएगी उसका फार्मूला डिफरेंट होगा पैरामीटर निकालने का सो आई कैन आई थिंक यू कैन डू सिमिलरली सम नंबर थर्टीन इट्स ऑल्सो योर होमवर्क सेवन एंड थर्टीन सिमिलर विद सिक्स सो इट्स योर होमवर्क गट इट थैंक यू हैव अ नाइस डे बेटा